कवी भवन येथे बहुजन क्रांती मोर्चा यांच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी 6 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या विशाल महारॅलीबद्दल चर्चा देखील करण्यात आली आहे. तर या पत्रकार परिषदेत या व्यतिरिक्त RSSच्या वेगवेगळ्या 12 मुद्द्यांवर देखील चर्चा करण्यात आली, ज्यात BJP नेत्यांच्या फोन टॅपिंग विरोधात देखील चर्चा करण्यात आली आहे. डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है उन 4 पिलरों को खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है. देश को और संविधान को बचाने के लिए 6 अक्टूबर को बेजन बाग ग्राउंड में महारैली का आयोजन किया गया है. सवेरे 11 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से ऑनवर्ड RSS के मुख्यालय पर घेराव का यानी मोर्चा का घेराव का आंदोलन है. लगभग ऑल इंडिया से 5 लाख लोग वहाँ उपस्थित होने की संभावना है. RSS के BJP के द्वारा अलग अलग हथकंडे और षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं, इसके बावजूद देश भर से भारी तादाद में लोग यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं. पुलिस परमिशन मिले तो भी मोर्चा मिलेगा निकलेगा. RSS के हेडक्वार्टर को घेरा जाएगा लोकतांत्रिक ढंग से और पुलिस परमिशन न मिले तो भी ये घेरा जाएगा, क्योंकि RSS तो BJP के लोगों ने हरियाणा में उनकी सत्ता है, उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता है, तो उन्होंने हमारी 2 सभाओं पर पाबंदी लगाया. वो कोर्ट का मामला तो चलेगा ही, मगर सत्ता का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करना ये लोकतंत्र की हत्या है. Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.